जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। अर्ज खुश में आप सभी का स्वागत है। अष्टमी तिथि, फागुन मास की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाता है और इस तिथि से लेकर होली तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो आज के विशेष वीडियो में आप जानेंगे कि फागुन मास की अष्टमी तिथि को एक ऐसा उपाय जो आपके ऐश्वर्य में वृद्धि लाएगा, धन में वृद्धि लाएगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यहाँ पे आज विषय कौवे से संबंधित बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिए, समझिए, फिर इसके बाद जो इसमें बताया गया है उस पर अमल करें। देखिए, जो भी उपाय आप करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। इस बार मार्च में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी 9 मार्च की सुबह 2:56 से लेकर 11 मार्च की सुबह 5:33 तक। जो उपाय आगे जानेंगे ये उपाय 10 मार्च के दिन या संध्या के समय ही करें। अष्टमी और चतुर्दशी दोनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फागुन मास की अष्टमी, इस दिन घर के पास में कोई भी ऐसा वट वृक्ष, आप ऐसा वट वृक्ष चुने जहां पे कौवे निरंतर आते रहते हों। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि वट वृक्ष आपके घर से दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, लेकिन अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में ही वट वृक्ष है तो फिर आप ये कार्य संध्या के समय करें। वट वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष के नीचे जड़ के पास के स्थान को एकदम साफ स्वच्छ कर दें, गंगा जल से शुद्ध कर दें, फिर वृक्ष पर रहने वाले सभी कौओं को आमंत्रित करें, निवेदन करें। इस प्रकार आप उनके लिए भोजन अर्थात बलि की व्यवस्था कर रहे हैं तो वे आकर उस भोजन को ग्रहण करें। इस प्रकार न्योता देने के बाद ब्रह्मा विष्णु और सूर्य भगवान की मानसिक रूप से पंचोपचार विधि से पूजा करें। पूजा करने के पश्चात कौओं को देने के लिए कुछ सामग्री तैयार करें। सामग्री में घी, दही, चावल, गुड़, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इकट्ठा करके इन्हें एक मिश्रण के रूप में तैयार करें। फिर इसके बाद पत्तों की एक पत्तल में ये सारी सामग्री रखें और साथ में जल लेकर ये सारी सामग्री रखते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें। स्क्रीन पर दिए हुए इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सामग्री को वट वृक्ष के नीचे रख कर चुपचाप वहां से चले आएं और छिप कर देखें कि कौओं ने किस दिशा से बलि को खाना प्रारंभ किया है। अर्थात पूर्व दिशा से अगर आकर खाना शुरू किया है, दक्षिण दिशा की तरफ से आकर खाना शुरू किया है, नैऋत्य कोण की तरफ से आकर खाना शुरू किया है, तो हर दिशा का अलग अलग महत्व है। जिस दिशा से कौवे ने आकर खाना खाया उसका प्रभाव क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। देखिए, अगर कौवा पूर्व दिशा की तरफ से आकर खाता है तो समझिए चित्त की शांति और सुख में वृद्धि होगी। आग्नेय कोण से अगर आकर खाना खाया तो अग्नि का भय रहेगा। दक्षिण दिशा की तरफ से आकर खाया है तो अन्न और धन का नाश होगा। नैऋत्य कोण से आकर अगर खाया है खाना तो धन में अथाह लाभ होगा। पश्चिम दिशा की तरफ से अगर आकर खाना खाया तो इच्छित धन की प्राप्ति होती है। वायव्य कोण से अल्पवृष्टि अर्थात वर्षा का कम होना। फिर इसके बाद उत्तर दिशा से अगर कोई कौवा खाना खाने आता है तो माने कि सुख, आरोग्य और इच्छित धन की प्राप्ति होती है। ईशान कोण से अगर आए तो अभीष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। अगर चारों ही तरफ से कौवे आकर एक साथ खाना खाने लगे तो आपके कार्य मिश्रित फल देंगे, मिले जुले फल देंगे। अगर रखा गया खाना अर्थात बलि के पिंड को, उस सामग्री को कौवे नहीं खाते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं, तो मानिए कि ये बहुत ही घबराने वाली बात है। आपके अंदर के भय को, डर को उजागर करने की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में कुछ देर तो देखें
लेकिन अगर आप जब आपको तसल्ली हो जाए कि कोई भी कौवा आकर खाना नहीं खा रहा, तभी वट वृक्ष के पास जाएं, सभी कौओं से निवेदन करें, उनसे क्षमा मांगें कि पूरे साल भर में आपके पितृ पक्ष को प्रसन्न करने में आपकी तरफ से कोई कमी रही हो तो आपको क्षमा करें और आपके भोजन को, आपकी दी हुई बलि को ग्रहण करें। फिर इसके बाद चुपचाप घर लौटाएं और अगली अष्टमी या चतुर्दशी के दिन फिर इस क्रिया को दोहराइए, ताकि कौओं के रूप में आपके पितर आप पर प्रसन्न हों और आपको आशीर्वाद दें, और जो भी दिशाओं द्वारा आपको लाभ मिलने वाले हैं वो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल सकें। तो इस प्रकार इस उपाय को करें, जो भी आपके जीवन में कमियाँ हैं, जो भी आपके कार्य नहीं बन रहे, इन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए इस उपाय को खुद भी करें और आप अपने अपनों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रकार के उपायों से लाभ प्राप्त हो सकें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कौओं की कई प्रजातियां होती हैं, कौन सी प्रजाति का कौआ अगर आपके सर पर भी बैठ जाए तो क्या वो आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, इन सभी जानकारियों को अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि कौओं से प्राप्त होने वाला शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत ही विशेष जानकारी है, ज़रूर इसका लाभ उठाइएगा। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए। तो अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।